हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन देख के शायद आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम वेलिंगटन जाने वाले हैं, मतलब लेलिन सरनी। वहाँ से जाके हम लोग अपने गाड़ी के लिए एक रैप खरीदने वाले हैं। तो वो रैप हम खुद ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने देखा है ये बहुत कीमती होता है, मतलब बाहर से करवाने में तो उतना तो ज़्यादा है नहीं। हम अभी कॉलेज में हैं। हाँ, हमारा प्लेसमेंट हो गया है, पर जो भी हो हम लोग खुद अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि उसमें एक मज़ा है। पैसे की बात नहीं है, मज़े की बात है। तो हम खुद आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ग्लासिंग वगैरह। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग आज आए हैं वेलिंगटन। ये देखो, ये अंबिका स्टिकर्स नाम का एक दुकान है। तो इस दुकान में हम लोग आज जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम दाम में मिलता है। ये पूरा मार्केट में यही एक जगह है जहाँ पे आप होल सेल में आपको मिल जाएगा हबसी का रैप वगैरह सब कुछ। चलो अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को, और भैया से भी मिलाते हैं। तो कुछ ऐसा दुकान है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ये भैया है, भैया से मिलो। भैया, आपका नाम, नंबर और दुकान का एड्रेस। अंबिका स्टिकर है, लेनिन सरनी ज्योति सिनेमा के बगल में। आपको टोटल स्टिकर मिल जाएगा मॉडिफाई के लिए, रेडियम स्टिकर, विनाइल स्टिकर, रैपिंग, ग्लास फिलिंग वगैरह। और आपका नंबर बता दीजिए, अगर कोई आना चाहता है आपको कॉल करके आ जाएगा। 9550568704। और दूसरा एक तो नंबर है 9836415722। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और ये स्क्रीन पर मिल जाएगा। हमने ये लिया है। तो इस दुकान में भैया पूरा मतलब होलसेल रेट में मिलता है। तो अभी आप यहाँ पे आ जाओ, एक और डिलीवरी चाहिए वो भी मिलेगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो ये लोग शिपिंग भी करते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, इन लोग भेज देगा आप लोगों को। अगर आपके पास छोटा मोटा दुकान है कुछ है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये होलसेल मार्केट की तरह है। तो अगर आप कोलकाता में रहते हो या फिर आप कहीं भी रहते हो, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, भैया आपको भेज देगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक और नंबर सब कुछ मिल जाएगा, दुकान का एड्रेस भी मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ सकते हो। चलो, तो ये रहा हमारा जो रैपिंग शीट है, पूरा एक रोल लिए थे हमने, तो ऐसे पैकिंग करके दिया है। और एक्स्ट्रा ये हमको ये फ्री में मिला है। ये है अपना कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला मैट फिनिश का, और ये दो लगेगा हमको। और ये है जो टकिंग करने के लिए जो यूज़ होता है, एक कटर और एक ऐसा स्क्वीजी। एक साइड का कपड़ा का है और एक साइड है अपना रबर का। ये 2-in-1 है, इसलिए ये लिया है। तो पहला काम जो होता है वो है अपना बोनेट को मेजर कर लेना। यहाँ से लेके ऐसे मेजर करेंगे, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो हम लोग 1 फुट ज़्यादा लेंगे। वहाँ पे 6 inches, यहाँ पे 6 inches, और हम लोग यहाँ से मेजरमेंट लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है बाबा, ऐसा तो धरो। तो यहाँ पे करीब 62 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 फुट ज़्यादा लेंगे। फिर अपने रैपिंग पेपर से ये कट कर लेंगे। तो हमने मेजरमेंट ले लिया यहाँ पे, और ऐसे ही दोनों साइड पे मेजरमेंट लेके यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन के लिए ये लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कटर है हमारा, ये कट कर लेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो है अपना बोनेट या जिस भी पार्ट में आप रैप कर रहे हो उसको अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। कोई भी ग्रीस या ऑयल नहीं हो, डस्ट नहीं हो, नहीं तो स्टिक नहीं करेगा अपना रैप, या फिर एकदम रैप के नीचे से दिखेगा वो डस्ट। तो एकदम अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर है तो अल्कोहल से एक बार वाइप कर लो। तो इसको ऐसे प्लेस कर लेंगे पहले।
इसको कहते हैं ग्लासिंग, ऐसे स्ट्रेट करके আগে মিডিলটাকে বসাতে। तो ये देखो, हमने अपना बॉनेट जो है वो कर लिया है। कल सुबह में आप लोगों को फिर से दिखाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट 3 कलर का शिफ्ट है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग ये रूफ को रैप करने वाले हैं। तो रूफ़ रैप करने के लिए पहले ये रूफ़ रेल्स और ये शार्क फिन एंटेना को हम रिमूव कर लेंगे तो ये आसानी होगा। रूफ रेल रिमूव करने के लिए हमको पहले यहाँ से धीरे से ऐसे इसको घुसाना पड़ेगा। ऐसे इसको बाहर की तरफ ऐसे पुल करेंगे तो ये देखो ये खोलने लगा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे पुल करते जाएंगे, देखो ये खोल गया। इसको खोलने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे क्लिप है और यहाँ पे एक ठो छोटा सा नट जैसा है। तो इसको खोलने के लिए पहले हमको इसको प्लेस करके अंदर की तरफ पुल करना है, फिर इसको ऐसे उठा देना है। सेम उस साइड भी होगा ऐसे। देखो खुल गया, देखा। सिर्फ ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करके ऐसे टक खींचने से ये खोल जाएगा। तो ये हमारा रूफ रेल है, खोल गया। हम लोग ये शार्क फिन एंटेना को उठाने नहीं वाले। जो ओरिजिनल शार्क फिन एंटेनास होते हैं वो लगाए हुआ रहता है। तो
रूफ लाइनिंग तो अभी नहीं खोल सकते, तो इसको अभी के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए हमने अपना जो रैप है उसको ले कर दिया है इसके ऊपर, एकदम साफ करके पूरा जो अपना मोल्डिंग था उसको रिमूव करके अंदर की तरफ पूरा साफ करके इसको ऐसे प्लेस कर दिया ठीक तरह से। तो हमारा जो स्टेप्स होता है, पहले ग्लासिंग करना, फिर उसके बाद हम स्क्वीजी से ठीक तरह से इसको ले कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लिट कर देंगे ताकि ये अंदर की तरफ घुस जाए। ठीक है, तो आप देखते रहो, हम हाइपर लैप्स में दे देंगे अभी। एक बार फिनिशिंग चेक कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा सीम है, दूर से उतना समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे किया गया है देखो, और यहाँ पे जो है ये रबर के नीचे हमने टकिंग कर दिया है पूरा ऐसे वहाँ तक। अभी पीछे का रैप करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए नंबर प्लेट को रिमूव करेंगे, एम्ब्लेम और सारे जो ये है बैजिंग्स है उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये रिमूव करने के लिए देखिए थोड़ा सा रिमूव किया है एक नायलॉन वायर से, यहाँ से धीरे 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 अपने ग्लू को कट कर देंगे तो ये खोल जाएगा। स्पॉयलर को खोलना पड़ेगा, स्पॉयलर को खोलने के लिए तो पता ही आप लोगों को कि पिछला वीडियो में जैसे लगाए थे वैसे ही इसको खोलना है। और ये जो है अपना ड्रिल, मतलब वो जो क्या कहते हैं इसको, जो भी हो उससे लगाया गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रिल घुसा देंगे छोटा सा तो ये खोल जाएगा। ये दोनों नट सब खोल के आपको दिखाते हैं फिर। तो हमने स्पॉयलर को खोल लिया है, ये लाइट्स को नहीं खोलेंगे, ये खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों पार्ट में करेंगे, बोला ही आप लोगों को कि इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो पूरा अलग हो रहा है तो कोई कंटिन्यूटी का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एम्बलम्स को अभी खोल लेते हैं। तो ये देखो डिक्की का सारे जो एम्बलम और बैजिंग था सब कुछ खोल लिया, और ये जो नंबर प्लेट था वो भी खोल लिए, और यहाँ पे अपना जो रैप है इसको कटिंग कर लिए, यहाँ पर अभी प्लेस करेंगे इस रैप को और दूसरा वाला दूसरे रैप से। तो देखो अभी तक अपना बॉनेट हुआ है, कलर शिफ्ट देख रहे हो, फिर अपना
छत हो गया है, अभी तक ये रूफ मोल्डिंग नहीं लगाया हमने, और अपना जो है डिक्की हो गया है, देख लो फिनिशिंग देख लो, और कलर शिफ्ट भी यहाँ पे स्पॉयलर का जो होल है वो स्पॉयलर अभी पता नहीं कोई कार्बन फाइबर या ये सेम कलर में करेंगे, और डिपेंड्स क्या मन करता है तब, पर ये ऐसा हो गया है। तो आज का वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब अपना साइड पैनल्स और डोर्स करेंगे, और शायद थर्ड पार्ट में अपना बम्पर करेंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।